आई जैसे संडे और ये है मेरा पहला व्लॉग। हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग, गुड मॉर्निंग। तो आज सुबह खाने में बन रहा है मिक्स वेज और ब्रेकफास्ट में बन रहा है बेसन एंड ओट्स चीला। तो ये ब्रेकफास्ट की प्लेटिंग हो गई है, बेसन एंड ओट्स चीला विथ कोकोनट चटनी, मतलब पीनट चटनी। तो अब मैं जाऊँगा नहाने। गाइज, मैं नहा के अब रेडी हो गया हूँ। तो गर्मी की छुट्टियां चल रही है इसलिए मैं थोड़ी देर नीचे टीवी देखने चला गया था और अब हम डायरेक्ट लंच पे स्किप करते हैं। और यहाँ पे मेरा प्लेट तैयार हो रहा है, ये अपना प्लेट तैयार हो गया है। दो रोटी अल्टीमेट कुछ ज़्यादा ही घी के साथ, और ये रहा स्पाइसी मिक्स वेज, और ये दही जिसमें मिर्ची है। हेलो गाइज, वेलकम बैक। तो मैं अभी कर रहा हूँ अपना हॉलीडे होमवर्क, ये रफ वर्क के लिए है, ये मेन है। और ना मैंने यहाँ पे एक नया गेम निकाला है, मतलब गेम तो बहुत पुराना है लेकिन इसका नया टाइप निकाला है कि हमको ये कलर्स सारे स्क्रैम्बल हो जाएंगे और हमको इस ऑर्डर में वापस लाना है। रेड और ब्लैक लेफ्ट पे, ब्लू राइट पे, येलो ग्रीन मिडिल में। तो फिर इसको स्क्रैम्बल करते हैं। बहुत ही सिंपल गेम है, ईजी टू सॉल्व है। जल्दी से आपको स्क्रैम्बल करके सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो ये मैंने स्क्रैम्बल कर लिया है, अब इसको दिखाता हूँ। सबसे पहले रेड सॉल्व कर लेंगे, रेड को इधर होना चाहिए, तो रेड को जल्दी से उधर ले आते हैं। अरे कलर से गिर गए, रेड इधर आ गया और येलो को इधर होना चाहिए, येलो भी आ गया। ये क्या हो रहा है, ब्लू भी इधर आ गया। थोड़ा हार्ड स्क्रैम्बल एक बार करता हूँ, वापस स्क्रैम्बल करता हूँ उसको। स्क्रैम्बल कर लिए हमने वापस से, तो इसको वापस सॉल्व करते हैं। सबसे पहले रेड को टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, फिर येलो को उसके ऊपर, चलो ये अच्छा है। फिर हमको ब्लू को इधर लाना है, तो इधर डायरेक्ट आ नहीं सकता, तो रेड येलो को इधर शिफ्ट करके ब्लू को ऊपर ले आके, तो ये रास्ता खाली करके ये कर दिया। और नीचे वाला लेयर हमेशा सॉल्व ही रहता है, ये अपना गेम सॉल्व हो गया, सिंपल। तो मैंने नहीं ढूंढा, लेकिन ये गेम का नया वेरिएशन मैंने ढूंढ लिया है बस। गाइज, मानो या ना मानो, मैथ सबसे बोरिंग है। तो गाइज, ये है मेरा DIY कैलेंडर जो मैंने क्लास 5th के बेस्ट आउट ऑफ 5th में बनाया था। अभी मई का डेट है 28th। मैंने ये लास्ट की थीम भी क्रॉस कर दी है क्योंकि मैं बोर हो रहा था। हाँ, मैच करते करते बोर हो रहा था मैं, तो बस अभी के लिए ही। फिर अब जब हम स्विमिंग क्लास जाएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा। मैथ्स का मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, फिर इसके बाद मैं करूँगा साइंस। अपना साइंस का होमवर्क स्टार्ट करने वाला हूँ, उसके लिए मुझे एक चार्ट बनाना है। गाइस, इवनिंग स्नैक्स में बना है तीखा तीखा भेल। तो गाइस, अब मैं बनाने जा रहा हूँ चाय मम्मा के लिए, तो आपको सामान रेडी करके दिखाता हूँ। हम निकाल लेंगे दूध, नहीं छोटा वाला, अभी नहीं, छोटा वाला बाद के लिए, छोटा वाला राजा है सबका। तो फिर ये एक बड़ा वाला दूध निकाल लेते हैं, इसको बंद करो, इस दूध के पैकेट को कर लेते हैं। तो, एक सेकेंड, दूध का पैकेट काट लिया है और हम एक कप दूध ले लेंगे। एक कप नहीं, थ्री फोर्थ कप दूध ले लेंगे। ये ले लिया 3/4 कप दूध, 1/4 कप पानी। दूध को अभी मैं फ्रिज में रख दूंगा। और अब लेनी है हमको 0.15 यानी 1/4 चम्मच चाय पत्ती। निकालते हैं, चाय पत्ती मिल गई हमको, बस ये कुर्सी की जरूरत है, कुछ ज्यादा ही ऊपर रखी हुई है। इतना ऊपर कौन रखता है भाई, ये अपनी चाय पत्ती निकाल ली हमने। तो गाइस, ये हमने चाय पत्ती निकाल ली, इसको हम साइड में रख देंगे अभी के लिए, अलमारी बंद कर देंगे, चेयर को वापस उसकी जगह पे रख देते हैं।
चाहिए चीनी। चीनी के डब्बे पे मैं ये मोबाइल को मतलब टिका के रखता हूँ। देखो चीनी को पीछे रख देते हैं मोबाइल पे। अब क्या ट्राइपॉड लगते हैं। चलो तो ये मैंने फ़ोन को ट्राइपॉड पे लगा दिया। अगर मैं ट्राइपॉड को छुआ तो मेरा मोबाइल गिरा। मैंने अच्छे से टाइट करके नहीं लगाया है तो बहुत डेंजर का काम है। तो सबसे पहले ये मुरली जिसमें सेकी गई थी भेल के लिए ये वाले को हटा देते हैं और यहाँ से चाय का बर्तन निकाल लेते हैं जिसमें चाय बनाएंगे। हमको परफेक्ट बाउल मिल गया है, इसको हम जल्दी से चालू कर देते हैं। आग लग गई है। अब हम इसमें डाल देंगे 1/4 कप पानी। हल्का सा उबलने देंगे मीडियम हीट पर रख के। एक चम्मच चाय पत्ती डाल दी, थोड़ी सी और, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी। अब हम डाल देंगे इसमें 1.5 चम्मच चीनी। एक और ये आधा। बंद कर दो चीनी के डब्बे को। आपको दिख तो रहा है ना, एक बार मैं चेक कर लूँ। हाँ आपको सब दिख रहा है। हल्का सा उबलने देते हैं इसको। जब ही उबल जाए हल्का सा स्प्रेड कर देंगे और हाई हीट पे कर देंगे जब ही उबल जाए तो। इग्नोर दी आवाज़ें, चाय से ही आ रही है। अब हम इसको लो हीट पे करके 2 मिनट के लिए रख देंगे, मतलब 2 मिनट भी नहीं, 2 सेकंड के लिए रख देंगे। और इसमें हम डाल देंगे मेन चीज़ दूध। ये दूध, अरे यार कितनी आवाज़ें करे गई। तो ये अब अपना दूध भी हमने डाल दिया। अब हम इसमें एक और सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालेंगे है, नहीं मैं नहीं बताऊंगा, सीधा डाल के दिखाऊंगा। हल्का सा ट्राइपॉड पीछे कर देते हैं क्योंकि हमको ये मसालों का खजाना खोलना है। और ये रहा वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट। इसको थोड़ी देर बंद करके ट्राइपॉड को वापस आगे कर देते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चुटकी चाय मसाला। ये होममेड चाय मसाला, मुझे गर्म लगता है। इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से, लो हीट पे नहीं मीडियम हीट पे रखेंगे इसको। हाँ ये हो गया मीडियम हीट, हल्का सा और। हाँ ये हो गया मीडियम हीट। ट्राइपॉड को वापस पीछे करेंगे अपने मसालों का खजाना खोलने के लिए। और अब हम इसमें होम मेड चाय मसाला वापस डाल देंगे, बंद कर देंगे मसाले का खजाना। अब जब ये चाय अच्छे से उबल जाएगी तब हम इसको बंद कर देंगे। ये गाइस चाय उबल के निकलने लग गई है। अरे यार हीट कम कर लो। हाँ एक सेकंड, अरे मैं दिखाया ही नहीं, रुको वापस उबलेगी तो दिखाता हूँ अभी, वेट करो। मैं वीडियो को कट बिल्कुल नहीं करना वाला, वेट करो। तो ये चाय वापस ऊपर आने लग गई है, हीट कम कर दी। हीट कम क्या, बंद ही कर देते हैं, अपनी चाय बन गई है। अब मैं वापस ट्राइपॉड का यूज करूंगा। हम चाय को केयरफुली सर्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ गुप्त जगह से निकालेंगे सरसी और निकालेंगे एक छलनी। ये रही अपनी छलनी। मैंने ट्राइपॉड को थोड़ा पीछे कर रहा, नहीं तो मैं जलूंगा पक्का। हाँ ये रहा आपका कप, कोंटे में दिख रहा है। अब मैं चाय को ये बोलो, हाँ चाय को ये लिया छलनी के थ्रू इसमें डाल देते हैं। चलो भाई बाय चाय, सी यू लेटर। अब मैं इसको, ओ यार कैसी आवाज करता है ये बर्तन, धोने में रख देते हैं। सरसी को भी साइड में रख देते हैं।
और एक छोटी सी प्लेट निकालते हैं। ट्रैपॉड हो जा पीछे, ये रहा अपना प्लेट का एरिया। यहाँ से निकाल लेंगे एक छोटी सी प्लेट, एकदम छोटी, इसमें रख देंगे ये। और अब हम एक और चीज निकालेंगे। ओनो ओनो मम्मा, हेयर यू गो, चाय फॉर यू। वापस अब साइंस होमवर्क करने में लग जाते हैं। मेरा एक पेज हो गया आउट ऑफ 5 पेजेस। ये रहा ब्लू पेपर, कोई अच्छा सा पेपर ढूंढ लो। ये रहा, तो ये ब्लू पेपर ढूंढ लिया है। अब मैं आपको रूम तक टेलीपोर्ट हो जाता हूँ। 3, 2, 1। अरे इतनी जल्दी टेलीपोर्ट हो गया, मैंने 3 बोलते ही। चलो ठीक है, तो यहाँ पे हम बॉर्डर बना लेंगे, फिर वही टेबल बना लेंगे अलग हेडिंग के साथ। फिर जब ख़त्म होगा तब मैं आपको बात करूँगा आपसे। ये आपको और बिस्किट मांग रही है, उसके लिए थोड़े से और बिस्किट ले जाते हैं। बिस्किट भाई आ जा तू मेरे पास। 3 बिस्किट निकाल लेते हैं, पैकेट बंद कर देते हैं, अंदर ठूसो, डब्बा बंद कर दो। इह ये हक्कू के लिए बिस्किट, टेस्टी टेस्टी। हक्कू मैं तुम्हारे लिए बिस्किट लाया। क्यों बोलो? थैंक यू। गाड़ी भाग गई। ओ नो, गाड़ी भाग गई। जल्दी से आना पड़ेगा। चलो भाई, गेट बंद कर दिया, घुस जाओ गाड़ी के अंदर। हो भाई, इतनी गर्म कैसे हो गई गाड़ी? मम्मा क्या मम? हाँ बोल दिया। मम्मा स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहले से ही पहन लेती है, टोपी चश्मा सब, तो टाइम वेस्ट होता है। पर तब भी पूल में पता नहीं क्यों 10 मिनट लेट ही आती है मम्मा, और मैं कुछ पहनता नहीं हूँ तब भी तुरंत ही पहुँच जाता हूँ। गाइज मैंने हमेशा सोचा ये जो ब्रिज के साइड में एडवर्टाइजमेंट होती है इसको चेंज कैसे करते हैं। हमेशा हम रोज इस राउट को यूज करते हैं, पर तब भी कभी देखा नहीं कि ये चेंज कब करते हैं एडवर्टाइजमेंट जो पोल्स पे लगी रहती है ये सब। हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, वो आपको बोर्ड दिख रहा होगा, अमानजा पूल्स राइट में उसका बोर्ड। और ये एक सेकेंड गाड़ी मोड़ी, वो रहा अमानजा पूल्स, हमारा स्विमिंग क्लास। हम आ गए हैं, तो गाइज हम आ गए अपने स्विमिंग पूल की क्लास से ख़त्म। मैं घर पे जाऊंगा और कुछ खाऊंगा, पता नहीं क्या। नहाऊंगा नहीं, है ना? हाँ बिल्कुल नहीं नहाऊंगा। तो गाइज आते ही हमको स्विमिंग से बहुत तेज भूख लगती है। मामा मैं नहीं खाऊंगा। हट जा, मैं खाऊंगा। तो हम खाते, यस फ्रूट्स। अच्छा ये है मेरी, हमें और आपको फ्रूट्स खा रहे हैं, और उसके बाद डिनर में बना है दाल चावल, साथ में पापड़ और सुबह की मिक्स वेज, सॉरी दोपहर की मिक्स वेज। डिनर हो गया है, तो अब मैं अपना जो गंदा सा बिस्तर है उसको समेटूंगा। क्या मेरा मॉन्स्ट्रोसिटी एके मेगा मिंक्स, इसकी भी मैं सॉल्व करने की ट्यूटोरियल डालूंगा कल। अब हम क्या करेंगे? एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी? ऐसी एक्टिविटी। क्या बटरफ्लाई पे हम ड्रॉ करेंगे? हाँ। अच्छा, जब तक दिया रिकॉर्ड कर रही है, मतलब जब तक दिया अपनी पेंटिंग कर रही है, तब तक मैं अपना होमवर्क करूंगा। मैं अक्कू के लिए दूध लाया हूँ। रखने जा रही है। मैं अक्कू के लिए दूध लाया हूँ। वो अपने पहले रखने जा रही है कलर्स। ठीक है, मैं ये दूध यहाँ टेबल पे रख देता हूँ। अक्कू तुम अपना दूध पी लेना, ठीक है? बाय। वेलकम। अपनी आँख से बाल हटा लो। यस। अक्कू गुड नाइट बोल दो। गुड नाइट लोग। गुड नाइट लोग। बाय। ठीक है। गुड नाइट गाइस।